हेलो फ्रेंड्स, आज पृथ्वी पर कई सारे विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। हर एक जीव की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है जो कि उसे प्रकृति में रहने के लिए काम आती है। लेकिन एक कुछ अजीब सा लगता है ना, आखिर इतनी विशेषताएं इन जीवों में क्यों हैं? क्या पृथ्वी पर इतनी विशेषता और इतनी विभिन्नता किसी अननोन पावर ने या फिर इसे किसी गॉड ने बनाया? तो फिर गॉड को किसने बनाया, यह भी विचार एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जाता है। यह विचार एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के मन में भी आया था। इस कंसेप्ट को जानने के लिए एचएमएस बेगाल के एक जहाज से वो एक आइसलैंड के समूह पर पहुंचे। उसका नाम था गैलापागोस आइसलैंड। इस आइलैंड पर उन्होंने एक पक्षी फिंचेस उन पर रिसर्च किया। उन्होंने उनके खाने पीने और एक्टिविटी पर नज़र रखी। इन पंछियों की प्रजाति 14 अलग पंछियों की प्रजाति में विकसित हो रही थी। इस तरह से डार्विन ने कई जानवरों पर स्टडी की और एक किताब लिखी। उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। लेकिन उन फिंचेस में विकास कैसे हो रहा था? जब बाढ़ आई तो एक जैसे फिंचेस उस आइसलैंड पर स्थित हुए और उनकी संख्या उस आइसलैंड पर तेजी से बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि वो पक्षी खाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने। उन्होंने कुछ भी खाना शुरू किया। कुछ पक्षी कीड़े खाने लगे तो कुछ पक्षी फल खाने लगे। इससे उनकी चोंच और आकार में बदलाव हुए। इस बदलाव को हम कहते हैं इवोल्यूशन। सारे जीवों के अंदर उनके विकास और कार्य का सारा डेटा कोडिंग के रूप में स्टोर होता है। उसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का काम बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो जीव प्रजनन करते हैं तो उनके जैसा तीसरा जीव तैयार होता है। वो जीव समय के साथ खुद को ढालता है और उस तरह उसके डीएनए में भी बदलाव आने लगते हैं। आज हमारे अंदर जो बदलाव है वो हमारे माता पिता से आया है। अगर माता पिता जैसा हमारा बदलाव नहीं है तो यह हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में यह बताया गया है कि जो भी जीव खुद को वातावरण के अनुसार ढाल देगा वही जिंदा रह सकेगा। ओनली फिटेस्ट मैन कैन बी सर्वाइवर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना।